अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टू स्टाइल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी जनाब, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ये मज़ेदार सा सिंपल सा कुछ ही 4 से 5 प्रोडक्ट्स में इस लुक को मैंने क्रिएट किया है, जो कि वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। और आप लोग इसको बहुत ईजिली घर पर कर सकते हैं। एंड देन अगर आप लोग सैलून से करवाते हैं इस लुक को, सो आपको 2 to 5 thousand पे करने पड़ जाते हैं। सो अपने आपको थोड़ा सा बजट फ्रेंडली बना लीजिए। सो जी, इसके लिए आपको करना कुछ यूँ होगा कि आपको अच्छे से स्किन को प्रेप करना है, अच्छे से स्किन को, फर्स्ट आपको स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करना है। कॉज आपको पता है विंटर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा ड्राई, एक्सट्रीम लेवल के आपकी स्किन जो है ड्राई हो रही होती है। सो स्किन को मेक श्योर कर लीजिए कि अच्छे से आपने हाइड्रेट किया हुआ हो। एंड देन स्किन को प्रेप कर लीजिए, अच्छा सा सीरम अप्लाई कीजिए। एंड देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए। एंड देन आप अपना कोई भी फेवरेट प्राइमर अप्लाई कीजिए, जो भी आपको सूट करता हो। सो उसके बाद आपने अपनी आईब्रोज को कर लेना है ड्रॉ, जो भी आपकी आईब्रोज का शेप हो। सो मैं मिस रोज का शेड नंबर 03, सबसे डार्कर शेड इसका यूज़ करती हूँ। कॉज मेरी आईब्रोज का शेड ज़रा डार्क है, तो इसलिए मुझे यही कलर सूट करता है। जो आपकी आईब्रोज के हिसाब से जो कलर आपको सूट करता हो, आप उसी पेंसिल से अपनी आईब्रोज को ड्रॉ करें। सो जनाब, आईब्रोज़ को 1 by 1 दोनों को अच्छे से सेट कर लेने के बाद, यहाँ पर मैं एमली का फाउंडेशन, लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करूँगी, जिसका शेड है 01। एंड कोई भी फ्लैट ब्रश से आपने लेकर अपनी आईब्रोज़ को नीट कर लेना है, जिससे आपकी आईब्रोज़ में बहुत अच्छा सा एक फिनिश सा लुक आ जाए और आपको एक अच्छी सी आई बेस अचीव हो जाए, जिसके ऊपर आप मेकअप करें तो बहुत अच्छा सा आपको मेकअप लाइक मेकअप का लुक अचीव हो, अच्छे से कलर लाइक उसके ऊपर पॉप अप हो। सो यहाँ पर एक फर्स्ट लिड पर आप देख रहे होंगे अच्छा सा खूब सारा फाउंडेशन रखा हुआ था। सो वो मैंने खुद से ही सेट कर लिया था यहाँ पर फाउंडेशन। एंड देन आईब्रोज को कंसील किया। यहाँ पर एमली के ही 01 शेड कॉम्पैक्ट पाउडर से मैंने अपने बेस को सेट किया। सो उसके बाद यहाँ पर म्यूज़िक फ्लावर का जो ब्राउन जेल लाइनर है, उसी के साथ एक ब्राउन शेड भी है, इनका बहुत ही अच्छा पिगमेंट है, उसी से मैंने नोज़ को थोड़ा सा कॉन्टोर किया, क्योंकि जब मैं नोज़ को कॉन्टोर नहीं करती हूँ, बेस अप्लाई हुआ हुआ होता है। सो नेचुरल में देखने में तो इतना ज़्यादा नहीं बुरा लगता है, अदरवाइज़ जब कैमरा में कैप्चर हो रहा होता है तो बेस पता चलता है कि आपको नोज़ को कॉन्टोर करने की ज़रूरत है। सो यहाँ पर ये एक फ्लफी से ब्रश से मैंने ब्राउन शेड को हल्का सा हाफ लिड पर अप्लाई करना शुरू किया। एंड देन जैसे कि हवा में ब्रश को चलाते हैं, उस तरीके से ऊपर की साइड पर मैं इसको ब्लेंड करती गई। एंड थोड़ा सा यहाँ पर एमिली का 06 शेड लेकर उससे थोड़ा सा टचअप करके, एंड देन ब्राउन शेड से टचअप कर लोअर लिड को मैं हल्का हल्का सा कॉन्टोर करती जा रही हूँ। सो आप देख सकते हैं इस तरीके से लोअर लिड को आपने कॉन्टोर करना है। एंड थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा कलर मैंने अप्लाई किए हैं, इतने डार्क नहीं किए हैं। इसी लोअर लिड से मैं आउटर वी को थोड़ा सा डेप दे रही हूँ, ताकि एक आपकी आई को एक डेप मिल जाए और एक डेफिनेशन लुक आपकी आई को अचीव हो जाए। सो यहाँ हुदा बेबी का मैं पैलेट यूज़ करने वाली हूँ, जिसमें कलर की सीरीज़ बहुत ज़्यादा है, 63 कलर शेड्स हैं इसमें अवेलेबल। सो यहाँ पर मैं ऑलिव ग्रीन, डार्क ऑलिव ग्रीन कलर, इसकी जो शिमर शेड है उसकी पिगमेंट थोड़ी सी अप्लाई कर रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल, ये थर्ड स्टेप पर थी और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेकअप कितना अच्छा हो चुका था। सो यहाँ पर मैंने ग्रीन ही कलर के प्रेस ग्लिटर इसी पैलेट से उठाकर वो अप्लाई किए। जस्ट अब आप लुक देख सकते हैं। एंड देन जस्ट सिंपली यहाँ पर मैं मिस रोज़ के लिक्विड हाइलाइटर से अपनी टियर डक को हाईलाइट कर लूँगी, एंड ब्राउ बोन को भी इसी से हाईलाइट कर लूँगी। आप देखते जा रहे हैं कितने ही फ्यू स्टेप्स में ही मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट की तरफ है। एंड जस्ट अच्छा सा हमें काजल अप्लाई करना है, आईज़ के अंदर मैं काजल अप्लाई करूँगी, हैवी सा मस्कारा। एंड देन लैशेज, जस्ट लैश बैंड को मैं कवर करके लैशेस अप्लाई करूँगी। एंड आप देखिएगा इतना ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत सिंपल सा लुक मुझे अचीव होगा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। एंड इनर लैश बैंड पर भी आपने अच्छे से काजल को अप्लाई करना है यहाँ। सो अच्छी तरीके से मैंने अपनी आईज में काजल को अप्लाई कर लिया एंड अच्छा सा उसे स्मर्ज सा एक लुक दे दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ही स्टेप्स में आई मेकअप आप देख रहे हैं कि कंप्लीट हो गया। जस्ट आपको लैश लाइन पर लाइनर को ड्रॉ करना है, लैश लाइन यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लैश बैंड की साइड पर जस्ट आपने थिन सा लाइनर अप्लाई करना है, एंड देन आपने लैशेस अप्लाई करनी है। सो यहाँ पर आपका आई मेकअप लुक जो है कम्प्लीट हो जाता है। सो जी, यहाँ पर अपर लैश बैंड पर भी आपने अच्छा सा हैवी सा काजल अप्लाई करना है, ताकि एक आपकी बहुत अच्छी सी फिनिशिंग सी आई लुक अचीव हो आपको।
सो यहाँ पर अब सिंपली इसके बाद हम अपने लैशेस को अप्लाई कर लेते हैं। एंड मैंने यहाँ की फ्रंट से कुछ लेयर्स निकाल कर एंड उन्हें अच्छे से कर्ल कर लिया था ताकि एक अच्छा सा मैसी सा लुक लगे। एंड साइड बन मैंने बस ऐसे ही साइड बन रफली सा साइड बन बांध लिया था वेडिंग गेस्ट के हिसाब से मैंने लुक अचीव किया था। अदरवाइज जो लुक आपको सूट करते हैं आप वो लुक अचीव कीजिए। सो यहाँ पर हो गया है मेरा आई मेकअप डन। सो आप लोगों को अपने कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है एंड अपने फीडबैक्स के साथ मुझे लाजमी बताते रहा कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलूंगी फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, बाय बाय।